Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. A very complicated responsive morning to viewers. This is your host Saurav. In this video, we are going to learn about some basics and standard use of position, absolute and relative value. So let's achieve in Hindi language. गाइज ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कॉन्टिन्यूशन है, सो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख ले। प्रीवियस पार्ट के अनुसार हमने दो तरह के लेयर्स को पढ़ा है, लॉक लेयर्स और अनलॉक लेयर्स। ओके, एचटीएमएल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनके लेयर लॉक्ड होते हैं, जिनकी वजह से जब उनको मूव किया जाता है तो उनके कारण और भी एलिमेंट इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके लेयर को अनलॉक कर देते हो और उनको अगर खिसकाते हो एक जगह से दूसरे जगह, तो उनके कारण कोई दूसरा एलिमेंट बिखरता नहीं है। तो लेयर अनलॉक करने के लिए हम उपयोग करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी का। तो पोजीशन प्रॉपर्टी में तीन वैल्यू है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। तीनों का काम एक ही है, लेकिन तीनों का उपयोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। तो इस वीडियो में हमें वही समझना है कि अगर हमें लेयर अनलॉक करना है तो रिलेटिव से करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, एब्सोल्यूट से करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, फिक्स्ड से करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के अनुसार रिलेटिव और एब्सोल्यूट का उपयोग हमें सीखना है। ओके, सो प्रैक्टिकल सेशन अचीव करते हैं, आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें। मैं दो डिव एलिमेंट सेट करता हूँ ताकि मैं दो डब्बा बना सकूँ। ओके, सो मुझे इन डिव एलिमेंट के अंदर और भी डिव एलिमेंट्स बनाने हैं, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इन दोनों डिव एलिमेंट का आईडी 1 सेट कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों डिव एलिमेंट मुझे एक जैसे दिखने चाहिए, इसलिए मैंने दोनों डिव एलिमेंट का आईडी सेम रखा है। इसका मतलब ही है कि अगर मैं सीएसएस में 1 वाले आईडी वैल्यू को सेलेक्ट करके कोडिंग करूं, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे ये दोनों डिव एलिमेंट में लागू हो जाएंगे। ओके, क्योंकि दोनों डिव एलिमेंट का आईडी का वैल्यू सेम है। ओके, तो मैंने विड्थ प्रॉपर्टी सेट किया 300 पिक्सल्स। ओके, फिर मैं हाइट प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर देता हूँ 300 पिक्सल्स। ओके, फिर मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करता हूँ और वैल्यू डिफाइन करता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, सिंपली अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। ओके, देखता हूँ किस तरह का डब्बा बना। ओके, इस तरह का डब्बा बना। तो आपने इस प्रीव्यू को देखकर क्या अचीव किया, जरा आप नोटिस करें इनको। देखो, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। ओके, तो आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, जब भी आप एलिमेंट चेंज करोगे, पहले एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट लिखोगे, तो ऑटोमेटिक पहला एलिमेंट के ठीक नीचे दूसरा एलिमेंट आपको दिखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये जो पहला एलिमेंट है इसके ठीक बगल से दूसरा एलिमेंट मेरा शुरू हो, तो इसका मतलब है आप इनको बाएं से शुरू करना चाहते हो। क्लियर? तो याद रखो, अगर आप चाहते हो हॉरिजॉन्टली बहुत सारे चीज़ों को दिखाना, तो इसका मतलब है सारे चीज़ों को आपको बाएं से शुरू करना होगा। तो ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये जो दूसरा एलिमेंट है ये इसके बगल से शुरू हो, यानी कि ये डब्बा यहाँ हो। ओके, सो मुझे क्या करना होगा, इस एलिमेंट को भी बाएं से शुरू करना होगा और इस एलिमेंट को भी बाएं से शुरू करना होगा। तो सिंपली जिन एलिमेंट्स को हम बाएं से शुरू करना चाहते हैं उन एलिमेंट में हम लगाते हैं फ्लोएट प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करते हैं लेफ्ट। तो इसका मतलब है जिन जिन एलिमेंट में आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू 1 है, वो सारे एलिमेंट बाएं से दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, कुछ इस तरह से। तो आप ध्यान रखो, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल कंटेंट आपको दिखाना है, तो आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स में फ्लो एट लेफ्ट प्रॉपर्टी लगाओगे। ओके,
अगर यहाँ पे एच वन होता, यहाँ एच टू होता और नीचे एच थ्री होता, तो ऑलरेडी आपको पता है यहाँ एच वन है, यहाँ एच टू है, यहाँ एच थ्री है, तो जाहिर सी बात है एच वन यहाँ दिखता, एच टू यहाँ दिखता और एच थ्री यहाँ दिखता। और आप चाहते कि नहीं, मैं एच वन के ठीक बगल में यहाँ पे एच टू दिखाऊँ, एच टू के ठीक बगल में यहाँ पे एच थ्री दिखाऊँ, तो आपको क्या करना होता, एच वन में भी, एच टू में भी और एच थ्री में भी फ्लो एट लेफ्ट प्रॉपर्टी लगाना पड़ता। अगर आप नहीं लगाते तो वो तीनों बाएं से शुरू नहीं होते। और एक बात का आप ध्यान रखोगे, CSS में अगर आप हॉरिजेंटल कंटेंट दिखाना चाहते हो तो जितने कंटेंट आप लिखोगे सारे कंटेंट को आपको बाएं से शुरू करना होगा, और ऐसा करने के लिए आप लगाओगे फ्लो एट लेफ्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दूरियाँ बढ़ाना दोनों के बीच में, इसलिए मैं लगाऊंगा मार्जिन प्रॉपर्टी और डिफाइन कर देता हूँ 20 pixels। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ मार्जिन प्रॉपर्टी लगाने का मतलब है चारों दिशा से डब्बे खिसकेंगे। ओके, लेकिन अगर मैं मार्जिन लेफ्ट दूँ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है सिर्फ बाएँ दिशा से ये डब्बे खिसकेंगे। देखिए पहला डब्बा भी खिसका, दूसरा डब्बा भी खिसका, क्योंकि मैं दोनों डब्बों के लिए कोडिंग कर रहा हूँ ना। दोनों डब्बों में आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज दोनों डब्बों में काम करेंगे। तो मैंने क्या लगाया, मार्जिन लेफ्ट 20 pixels, तो इसका मतलब क्या है, ये डब्बा भी बाएं से 20 pixels खिसकेगा, ये डब्बा भी बाएं से 20 pixels खिसकेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं चारों दिशा से एक बार ही खिसका दूँ, तो सिंपली मैं लगाऊँगा मार्जिन प्रॉपर्टी। तो इससे क्या होगा, ये सारे डब्बे चारों दिशा से एक बार खिसकेंगे। ओके, ऊपर से भी 20 pixels, बाएं से भी, नीचे से भी और दाएं से भी, इस डब्बे में भी वही हो रहा है, बाएं से भी 20 pixels, ऊपर से भी 20 pixels, दाएं से भी 20 pixels और नीचे से भी 20 pixels। ओके, अब मैं सिखाता हूँ आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट का उपयोग। ओके, तो मैं काम करता हूँ, पहले डब्बे के अंदर एक और डब्बा बनाता हूँ। ओके, सो मैंने डिफ एलिमेंट सेट कर दिया है, इसका नाम रख देता हूँ मैं रिलेटिव। ओके, ताकि आपको समझ में आए, मीनिंगफुल लगे, इसलिए। फिर मैं दूसरा जो डब्बा है उसमें एक और डब्बा बना देता हूँ कुछ इस तरह से, और आईडी एट्रीब्यूट से इसका वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ एब्सोल्यूट, क्लियर, और फिर इस डब्बे को बंद कर देता हूँ। ये डब्बा इनविजिबल होगा क्योंकि मैंने स्टाइल से कोड नहीं किया है। अब मैं रिलेटिव वाले डब्बे को डेकोरेट करने जा रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया रिलेटिव और प्रॉपर्टी सेट करता हूँ विड्थ 150 pixels, क्लियर, हाइट 150 pixels। ओके, और मैं बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, इसमें बैकग्राउंड हाइफन कलर रेड। ओके, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट वाले डब्बे को भी कुछ डिज़ाइन कर देता हूँ। ओके, सिर्फ उसका कलर चेंज कर दूँगा। तो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है, सिंपली मैं लगा देता हूँ एब्सोल्यूट, यानी कि मैंने एब्सोल्यूट वाले डब्बे को सेलेक्ट कर लिया है और इसका कलर कर देता हूँ येल्लो। ओके, ज़रा चेक करता हूँ ये किस तरह का दिख रहा है, यस, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब एक बात बताएं आप मुझे कि अगर मैं चाहता हूँ इस रेड वाले डब्बे के नीचे कुछ लिखना और येलो वाले डब्बे के नीचे कुछ लिखना, तो कैसे लिखूँगा, तो सिंपली ये रेड वाला डब्बा है रिलेटिव, इसके बाद मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करके यहाँ लिख लेता हूँ रिलेटिव बॉक्स। ओके, फिर मैं एच वन को लॉक कर देता हूँ। उसी तरह से मुझे पीले वाले डब्बे के नीचे दिखाना है, तो ध्यान से देखें, ये पीले वाले डब्बे का कोडिंग ख़त्म है, इसके बाद मुझे नीचे दिखाना है, तो मैं इसके बाद ही कोडिंग करूँगा। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एब्सोल्यूट बॉक्स, क्लियर। ओके, सो आपने देखा ये इसके नीचे आया। गाइज, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इतना ज़्यादा समय कंज्यूम हो रहा है इस टॉपिक को समझाने में। सो काइंडली एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप अच्छी तरह से सुने और समझने का कोशिश करें। यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके आगे का प्रैक्टिकल सेशन
हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे। सो गाइज, अब एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए। जब आप YouTube पे सर्च करोगे वैप इंस्टीट्यूट और एंटर प्रेस करोगे और जहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूशन का लोगो अपीयर होगा वहाँ आप क्लिक करोगे। ऐसा करने से आप मेरे चैनल के होम पेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाओगे। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कुछ एडवांस क्वालिटीज़ की आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे। सबसे पहला प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइन एंड ऐप डेवलपमेंट। जो मेरे प्रोग्रामिंग स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं इनसे क्या बेनिफिट है, लेकिन जो एथिकल हैकिंग के स्टूडेंट हैं उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एथिकल हैकिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो काइंडली सबसे पहले सीखो वेबसाइट, गेम्स, एप्लीकेशंस और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं। अगर ये चीज़ आपको बनाने आ जाता है तो आपको एथिकल हैकिंग के लिए किसी टीचर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। सो काइंडली आप इस प्लेलिस्ट के एक एक वीडियोज को सिक्वेंस ऑर्डर में पढ़े, तभी जाके आपको एथिकल हैकिंग के एक एक प्रोग्राम्स और एक एक कंटेंट अच्छी तरह से समझ में आएंगे। टेक्निकल वीडियोज़ में जब आप जाओगे तो अच्छी क्वालिटीज़ के आपको टेक्निकल वीडियोज़ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को यूज करो या इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को यूज करो, जो रियल टेक्निकल कंटेंट होता है उनके बारे में आपको रियल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे कंटेंट्स के बारे में आप जान पाओगे जिनके बारे में आप सोचते हो। ओके, और भी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, मैं सिंपली रिकमेंड कर देता हूँ। आप फोटोशॉप पढ़ सकते हो, एडवांस क्वालिटीज़ के फोटोशॉप ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे, यहाँ तक कि फोटोशॉप में एनिमेशंस वगैरह कैसे जनरेट करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ भी आप फोटोशॉप ट्यूटोरियल की मदद से सीख सकते हो। ओके, सो गाइज, अगर वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब टू वैप इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस।